इधर चाईबासा में आगामी रामनवमी और सरहुल को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रही है। त्योहारों को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, प्रशिक्षु आईएएस ओम प्रकाश गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान थाना प्रभारियों को रामनवमी जुलूस को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया, साथ ही जुलूस पर निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। स्तर की विशेष बैठक बनाई गई जिसमें सभी डीओस थाना प्रभारी, सभी एसडीपीओस, एसडीओस और वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक करी गई। इसमें विशेष दिशा निर्देश दिए गए कि अब त्यौहार का सीजन आ रहा है जिसमें हमारा लॉ एंड ऑर्डर संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इसमें सभी को सचेत रहने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा फायर और इलेक्ट्रिसिटी, पीएचडी, ड्रोन इत्यादि को निर्देश दिया गया कि वो अपने सभी अधीनस्थ सभी कर्मियों को और सभी पदाधिकारियों को सचेत कर देंगे, उनसे संबंधित सभी चीज़ों को डाइवर्ट करवाएंगे। विशेषकर सरहुल और रामनवमी पर्व को लेकर हम लोगों ने जिला स्तरीय जो मेरी व्यवस्था की बैठक के बाद संपर्क की, इसमें उपायुक्त महोदय और अन्य जो पूरी जिला स्तर पदाधिकारी थे उनके साथ जो बैठक विशेष रूप से बिंदु आई है उन पर हम लोगों ने चर्चा की। साथ ही साथ जो भी आपराधिक प्रवृत्ति एवं वैसे प्रवृत्ति के लोग हैं जिनका विधि व्यवस्था को खराब करने में हमेशा रोल रहता है, उन लोगों को चिन्हित कर जो कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो सभी क्षेत्र हैं उनमें से काउंट डाउन करने की जो प्रक्रिया है जो सीआरपीसी के अंतर्गत वो भी किया जाएगा।